प्रेम, सम्मान और अपमान, ये एक ऐसा निवेश है, जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें अवश्य ब्याज सहित वापस जरूर मिलता है। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में, सिंह राशि के लिए समय कैसा रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, राशि फल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ग्रह दोष, वास्तु दोष, कुंडली विश्लेषण, उपाय पूछना चाहते हैं, तो नीचे मेंशन हो रही जीमेल पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए अब राशिफल को शुरू करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि यह माह आपके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां लाने की संभावनाएं बना रहा है। आपके जीवन में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। चुनौतियों का सामना करने से आपके अंदर हिम्मत जो है वो और बढ़ेगी, जो आपके लिए अच्छी भी है। करियर के लिहाज से यह जो समय है आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। हो सकता है पेशेवर जीवन में आपके आपके पद में, आपके पोजीशन में कमी आ जाए, जो कि आपका आत्मविश्वास जो है वो गिरा सकता है। ऐसा कुछ भी जीवन में परेशानी आए, चुनौतियां आए, तो उससे कभी भी हारना नहीं चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज मत कीजिएगा, जीवन में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि समय जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज ऐसा हुआ है तो शायद आपको भविष्य में इससे दोगुना मिले। भगवान पर विश्वास रखिए, अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो उनसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए और कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि उन्होंने जो ड्राइंग बनाई है उसमें वो कोई भी कलर जो है वो गलत नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए अगर पद पोजीशन में किसी भी तरह की आपको परेशानी होती है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो एक बार भगवान को ज़रूर याद कीजिए और सब उनके ऊपर छोड़कर अपने कर्म में लग जाइए। पैसों की अगर मैं बात करूं तो इस लिहाज से यह महीना आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे दिन दिखा सकता है। आपको पारिवारिक जीवन में भी उदासी महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का जो महीना है वो थोड़ा ठीक नहीं रहने वाला है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और ये महीना खास आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये जो परेशानियां हैं, ये जो चुनौतियां हैं, ये आपके जीवन को निखार देंगी। छात्रों के लिए ये महीना सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन इस माह आपका प्रियतम आपका बहुत सहयोग करने वाला है, आपका जीवन साथी आपका बहुत सहयोग करने वाला है। वो आर्थिक पक्ष से भी सहयोग करेगा और मानसिक भी आपको बहुत सहयोग करने वाला है। मानसिक तौर पर भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपने जीवन साथी से, अपने प्रियतम से मिलने वाला है। सिंह राशि के जातकों को हाथ और पैर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। एक्सीडेंट की भी जो दिक्कत है वो आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए इस समय आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रोजाना
आपको उपाय क्या करना है, रोजाना सुबह के समय सूर्य नमस्कार करते हुए उन्हें अर्घ चढ़ाएं, बहुत फायदा होगा। सूर्य देव जो है आपके जीवन से परेशानियां बिल्कुल दूर कर देंगे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करें। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।